दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि रहस्यों से भरी पड़ी है और वैज्ञानिक भी इसका आज तक कारण नहीं जान पाए हैं कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ये बात नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काटाटुम्बो लाइटनिंग। दोस्तों, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के अंदर काटाटुम्बो नाम की एक नदी है जिसके ऊपर दुनिया की सबसे तेज चमकने वाली बिजली गिरती है। यहाँ पर प्रति किलोमीटर के अंदर हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली चमकने का पीक टाइम यहाँ पर मई से लेकर अक्टूबर के बीच में है, जहाँ पर यहाँ हर रात 200 से भी ज़्यादा बार बिजली चमकती है और यहाँ पर रहने वाले लोग अक्सर इस नज़ारे को देखते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है और वह भी काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों, अमेरिका के इस नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गीजर देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक गीजर एक तरीके के गर्म पानी का फवारा होता है जिसमें पानी जमीन के अंदर से फाउंटेन के रूप में बाहर निकलता है। इस पार्क में करीब 300 प्राकृतिक गीजर मौजूद है, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल नाम का ये गीजर। इसका कारण ये बताया जाता है कि इस नेशनल पार्क के नीचे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जिसकी वजह से पानी बार बार गर्म होकर फव्वारे के रूप में फटकर बाहर निकलता है और यहाँ पर नियमित रूप से विस्फोट भी होते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आज भी इन ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोटों का सही ढंग से पता नहीं लगा पा रहे हैं। मूविंग स्टोन्स। दोस्तों, कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थर खुद ब खुद खिसक जाते हैं, जो कि नासा के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर खुद ब खुद खिसकने लग जाते हैं और ऐसा एक नहीं बल्कि 150 से भी ज़्यादा पत्थर ऐसा करते हैं। किसी ने भी यहाँ पर इन्हें आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर पत्थर करीब 250 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक खिसके हुए दिखाई देते हैं। 1972 से इस जगह पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्यों होता है। रिसर्च में एक 317 किलो का पत्थर कभी भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहाँ पर लौटे तो उन्होंने देखा कि वो पत्थर करीब 1 किलोमीटर दूर जा चुका है। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण शायद ऐसा हो सकता है। मैग्नेटिक हिल। दोस्तों, भारत के लद्दाख वाले प्रांत में मैग्नेटिक हिल नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ी अपने आप पहाड़ी पर चढ़ने लग जाती है। इस जगह पर पहाड़ी की चढ़ाई होने के बावजूद भी गाड़ी बिना स्टार्ट किए ही ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है और यहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। मैग्नेटिक हिल के नाम से ये जगह लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पहाड़ी की चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होने की वजह से ऐसा सब कुछ होता है और इसका असर ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज़ों पर भी पड़ता है। ब्लड फॉल्स। दोस्तों, अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर जमी एक बर्फ में एक ऐसी भी जगह है जहाँ से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस पर कई सारे शोध किए, लेकिन वो भी कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। उनका यह मानना है कि इस जगह पर बर्फ के नीचे शायद तक आयरन ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से पानी को लाल रंग मिल जाता है और यह झरना खून की तरह दिखने लगता है। लेकिन यह लाल झरना आज भी रहस्य बना हुआ है।